देखिए मेनली बात है कि 1 से 5th सेमेस्टर तक के 40% मार्क्स आपके फाइनल वाले सेमेस्टर में जो मार्कशीट तैयार होता है उसमें बंद है उसका 40%। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक सेमेस्टर में आप अच्छा स्कोर कर सको। कैरी नहीं लेना है क्योंकि कैरी लगने के बाद उस पेपर का मात्र मात्र पासिंग मार्क्स ही ऐड होता है जिससे उसका 40% में आपका डिक्रीजमेंट आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो इन सारी बातों को आने वाली परेशानियों के साथ ये मुश्किलें बार बार आपको आएगी और बार बार आपको कहेगी कि तुम ये नहीं कर सकते, पर अपने अंदर के जोश जज्बा जुनून को जगाए रखना है और लड़ते रहना है, हर मुश्किल को आसान बनाने का काम करते रहना है मेहनत के बल पे। मैं बार बार कहता हूं आप सभी को, एक बार फिर से कहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही हमारी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत से मत कतराइए, पढ़ते रहिए लगन से। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9204047883 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी अभी द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बात करती है। तो अभी आपका 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर दोनों का क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जारी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जारी है। तो किसी भी तरह का कोई भी संपर्क, कैसे एग्जाम कैरी बैक ये सबसे भी, और अगर किसी तरह का आपको कोर्स करने में कोई पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तब भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप सभी ने 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है और आप सभी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार करना बहुत ही कष्टदायक होता है क्योंकि सभी को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार होता है। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अपना जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है और साथ साथ अगर कोई पेपर में कैरी लगता है तो उस पेपर कैरी पेपर क्या होता है, फिर हम लोग प्रमोट किसको कहते हैं और ईयर बैक किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं इन सारे बातों को क्योंकि 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट जो होते हैं नए नए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। और फिर जो 3rd सेमेस्टर में अभी एग्जाम दिए हैं वो बहुत सारे कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि हमारा एक दो पेपर अगर कैरी लग जाता है तो क्या हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जा पाएंगे, मतलब 4th सेमेस्टर में जा पाएंगे या फिर हमारा कैरी बैक लग जाएगा, ये सारी कंफ्यूजन मन में बना हुआ है। तो इन सारे कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और साथ ही साथ 6th सेमेस्टर में अगर आपका एक दो पेपर कैरी लगता है तो उसका एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी जानेंगे और रिजल्ट कब आएगा इसका फुल इंफॉर्मेशन जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, रिजल्ट कब आएगा इसको मैं पेंडिंग में रख करके मैं चलता हूं कि आप लोग का अगर कैरी लगता है 1st सेमेस्टर वालों का वो क्या होता है, कितने पेपर तक कैरी लगेगा तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे, कितने पेपर तक अगर आपका कैरी लगता है कैरी लगने के बाद प्रमोट हो जाएगा, उसके साथ साथ कितने पेपर अगर आप फेल होते हैं तो आप ईयर बैक हो जाते हैं, अगर आप 2nd सेमेस्टर में जाते हैं तो 2nd सेमेस्टर में कितने पेपर में अगर कैरी लगाते हैं तो भी 3rd सेमेस्टर में आप चले जाते हैं। इन सारे प्रोसेस को हम लोग 1 to 6th सेमेस्टर तक के जर्नी को जानेंगे समझेंगे ताकि आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अगर मेरा एक दो पेपर कैरी लगता है तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले कैरी पेपर क्या होता है ये समझना है और प्रमोट क्या होता है ये समझना है, प्रमोट और कैरी पेपर इन दो बातों को जानेंगे तभी हम ईयर बैक और कितना पेपर में कैरी लगेगा तो प्रमोट होंगे, कितना पेपर में कैरी नहीं लगेगा तो क्या होंगे इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग 10th क्लास 11th 12th में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, जब हमारा कोई पेपर में फेल होते हैं तो उसको कहा जाता है क्या, फेल हो गया ये पेपर, मान लिया जब मैथ में फेल हो गया लड़का ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल में हम लोग किसी पेपर में अगर फेल होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरी पेपर। ध्यान में रखिएगा, कैरी पेपर किसे कहते हैं, जब आप किसी पेपर में फेल होते हैं, जैसे आपका पास मार्क्स कितना होता है 28 नंबर होता है तो वो 28 नंबर में अगर आप 28 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फेल आप कहलाते हैं। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी करेंट में 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रहा है, जिसमें अगर किसी तरह का आपको दिक्कत होता है पढ़ाई लिखाई से या फिर सेमेस्टर बैक ये सब कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, तो कैरी पेपर क्या होता है हमारा, कैरी पेपर जब हम किसी एक पेपर में फेल हो जाते हैं, जैसे हमारा जो पास मार्क्स होता है वो कितना होता है 28 होता है, किसी पेपर में अगर आपको पास होना है जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसमें कम से कम आपको 28 मार्क्स लाने होते हैं, अगर आप ये 28 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, 1st सेमेस्टर स्टूडेंट ध्यान देंगे, 1st सेमेस्टर की बातें कर रहा हूं कि कब आपका कितना पेपर में फेल होइएगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाइएगा, 2nd सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए आपको कितना पेपर में पास होना जरूरी है ये बताने वाला हूं। तो देखिए 1st सेमेस्टर में बहुत ज्यादा नए नए स्टूडेंट होते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता है जिसके कारण से उनको बहुत ही राहत दी जाती है। तो आपका अगर 1st सेमेस्टर है
फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका पांच पेपर है और इन पांचों पेपर में भी अगर आप कैरी लगाते हो, तो आप कहां चले जाओगे? सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन याद रहे, फर्स्ट सेमेस्टर में आप अगर एक पेपर में लगाइए कैरी, दो पेपर में लगाइए, तीन पेपर में लगाइए, चार पेपर में लगाइए या पांचों पेपर में कैरी लगा लीजिए, आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। कोई डाउट नहीं है, आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन क्या है सर? लेकिन आपको सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जाम दोगे तो इस सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ, इसके साथ साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर में आप कैरी लगाओगे, या फिर पांचों पेपर में लगाओ या फिर एक पेपर में लगाओ, दो पेपर में लगाओ, उसका भी एग्जाम आपको साथ साथ देना पड़ेगा। और ये बहुत ही जरूरी बात है, फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, आपने अभी एग्जाम दिया है, अगर आपका एक पेपर कैरी लगे, दो पेपर कैरी लगे, तीन पेपर कैरी लगे, चार पेपर कैरी लगे या पांचों पेपर में कैरी लग जाए, फिर भी आप कहां जाओगे? सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे। और सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम जब होगा तो उस समय आपको इन फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब कि जितने भी पेपर आपके कैरी हुए हैं, उन सभी का एग्जाम भी साथ साथ होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, आपको अगर लग रहा है कि मेरा एक पेपर कह रही है, दो पेपर कह रही है, क्या मैं सेकेंड सेमेस्टर में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो मैं आप सभी को कह दूं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पांचों पेपर में भी कह रही हो जाएगा, फिर भी आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, और साथ साथ जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी पेपर में कह रही होगा उसका भी एग्जाम साथ साथ दोगे। तो आप लोग को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पढ़ाई ना रुके और जिस पेपर में भी आपको डर लग रहा है उस पेपर को अभी रहने दीजिए, रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए। और रिजल्ट कब आएगा ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इस वीडियो में ही। तो आप अपने सेकंड सेमेस्टर का कम से कम पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपको आइडिया लग चुका है कि मेरा ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी लगने वाला है, तो आप उसकी भी पढ़ाई जारी कर दीजिए। लेकिन रुकिए नहीं, इंतजार नहीं कीजिए रिजल्ट का, पढ़ाई स्टार्ट रखिए, बस यही कहना चाहता हूं। क्योंकि डिप्लोमा लाइफ में इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहां पे टाइम कम मिलते हैं और पेपर ज्यादा पढ़ने होते हैं, तो आपका सिलेबस पूरा होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सिलेबस पूरा कवर नहीं करोगे तो कैरी लगने की संभावना बनी रहती है, इसलिए पढ़ाई अच्छे से करें। अब बात आती है कि सर सेकेंड सेमेस्टर में तो हम पहुंच गए, लेकिन सर थर्ड सेमेस्टर का क्या रूल है, सेकेंड से थर्ड सेमेस्टर में जाने का क्या रूल है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मिला के मिनिमम थ्री पेपर में आपका क्या होना चाहिए? कैरी होना चाहिए। तीन पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिला करके तीन पेपर में अगर आपका कैरी लगता है, तो आप कहां चले जाओगे? फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। कहने का मतलब कि तीन पेपर तक, अगर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर के आपके तीन पेपर तक भी कैरी लगता है तो आप फोर्थ में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो उस समय आपका ये फर्स्ट और सेकंड का एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जाम कब होगा? जब नए सेशन वाले आएंगे लोग, पीछे से जूनियर्स का एग्जाम होगा, तब आपको एग्जाम देना होगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो कैरी लगेगा उसका एग्जाम देना ही देना होगा। तो आप लोग को मैं फिर से कह दूं, अगर फर्स्ट और सेकेंड मिला करके आपका मिनिमम तीन पेपर में भी कैरी लगता है तो आप फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आप दोगे। तो ध्यान रहे कि कैरी लगने से क्या होता है परेशानी, सर इसके बारे में बताइए। अगर आप किसी पेपर में कैरी लगाते हैं तो कैरी लगाने से आपका वर्कलोड है जो ओवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो जिस सेमेस्टर में रहिएगा उसका भी पढ़ना होगा और जिस पेपर में कैरी लगाए उसको भी पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा वर्कलोड हाई हो जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या सर कैरी पेपर लगने से हमारे जॉब में, आने वाले जॉब में क्या प्रॉब्लम होती है, सर हमारे रिजल्ट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है बाबू, मैं आप सभी को बता देता हूं। जो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट तैयार होता है, ओवरऑल फाइनल जो हमारा रिजल्ट तैयार होता है, उसमें 1 to 5th का 40% मार्क्स है जो कि ऐड होता है फाइनल वाले
मेरिट में फाइनल जो हमारा रिजल्ट तैयार होता है सिक्स सेमेस्टर के बाद, उसमें 1 to 5th का 40% मार्क्स ऐड होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ सेमेस्टर में जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको ऐड होगा, उसका 40% उतना ही ज्यादा होगा। तो ये एक बेनिफिट है। और मैं बता दूं, अगर आप किसी पेपर में इधर 1 to 5th में अगर क्वेरी लगाते हो तो याद रहे क्वेरी लगाने के बाद आपका क्या होता है, आप उस पेपर में कितना भी मार्क्स ले आओ लेकिन जुटेगा कितना, आपका 28 नंबर ही। अगर किसी पेपर में आप क्वेरी लगाते हो, क्वेरी लगाने के बाद आप उसमें दोबारा एग्जाम देकर के 60 या 70 नंबर भी ले आते हो, फुल का फुल मार्क्स भी ले आते हो, लेकिन उसका जुटेगा कितना, मात्र 28 नंबर ही, जिससे आपका क्या होगा 40% जो है वो कम जाएगा। और ये 40% कम जाएगा तो फाइनल मार्कशीट में इसका 40% कम ऐड होगा, तो उसमें जो आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसका परसेंटेज आपको घट जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक सेमेस्टर में आपको पास होना बहुत जरूरी है, कैरी पेपर ना लगे इसका ध्यान रखें, क्योंकि कैरी लगने के बाद उसका मात्र 28 नंबर ही जुड़ता है और उसका 40% आपको कम बनेगा। तो ये बहुत ही ध्यान है। तो नए स्टूडेंट जो थर्ड में है और फर्स्ट में है, जो अभी सेकेंड में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। तो अब लोग फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए थे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में अगर अब क्या होगा, फोर्थ सेमेस्टर से अगर आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जाना है तब क्या करना पड़ेगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप कैरी लगाते हैं, और कैरी कितना लगाते हैं, मिनिमम दो पेपर लगाते हैं, तब आप फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाइएगा, मिनिमम दो पेपर। अगर फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं और मिनिमम दो पेपर में कैरी लगाते हैं, तो आप कहां चले आइएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में चले आइएगा, ध्यान रहे। और फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप चले आइएगा तो फिफ्थ का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर में मिनिमम दो पेपर कैरी। तो कैरी लगने का, दो पेपर लगने के बाद आप फिफ्थ में प्रमोट तो हो जा रहे हो, तो ये नहीं सोचो कि हम दो पेपर कैरी लगाएंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका कैरी पेपर ना लगे। और कैरी पेपर ना लगने के लिए आपको फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो भी अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि मेरा इतना पेपर में क्या होगा, कैरी लगेगा क्या होगा, हम फेल होंगे पैक होंगे, उनके लिए मैं बता दिया कि अगर आप दो पेपर तक थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड मिला करके दो पेपर तक आपका कैरी लग रहा है, तो आप थर्ड में चले आइएगा। और थर्ड में अगर आप मिनिमम दो पेपर भी अगर कैरी लगता है, फिर भी आप फोर्थ सेमेस्टर में चले आइएगा। तो आप फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एग्जाम जो है तुरंत हो जाने वाली है, अक्टूबर नवंबर तक आपकी एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का बैच स्टार्ट होने वाला है, फिफ्थ सेमेस्टर का जो शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है कॉलेज का, एकेडमिक कैलेंडर में आपको आया है कि अक्टूबर से आपका स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, एग्जाम के रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट के वेट करने में अभी अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा, अगस्त फर्स्ट वीक में आपका मे भी रिजल्ट आ जाएगा, और सिक्स सेमेस्टर का भी रिजल्ट जुलाई लास्ट तक या अगस्त फर्स्ट वीक में, दोनों में एक दो दिन का हो सकता है गैपिंग रिजल्ट आने में, फर्स्ट और थर्ड में और सिक्स में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगस्त में फर्स्ट वीक में रिजल्ट जरूर आ जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में देखते हुए आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। सिक्स सेमेस्टर का स्टूडेंट जो अभी अभी एग्जाम दिए थे, सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम जो दिए थे उनको मैं कह दूं, अगर आपका किसी कोई एक पेपर में कैरी लगता है, किसी भी पेपर में आपका कैरी लगता है सिक्स सेमेस्टर में, तो सिक्स सेमेस्टर का कैरी आपको लगता है तो आपको तुरंत से जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपका फॉर्म भराने का भी डेट आएगा। जो भी पेपर में आपका कैरी लगा है तुरंत फॉर्म भरिएगा, आप तुरंत उसका एग्जाम होगा, तुरंत उसका एग्जाम होगा, ध्यान में रहा, तुरंत उसका एग्जाम होगा। तो सिक्स सेमेस्टर वाले अगर आपको लग रहा है कि कोई पेपर में आपका एग्जाम खराब गया है, ऐसी नौबत है कि उसमें कैरी लगेगी, तो आप उस पेपर का अभी से स्टडी करना ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मात्र 1 से 2 हफ्ते के अंदर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो सिक्स सेमेस्टर वाले भी ध्यान देंगे। अब देखिए सर, ये तो आप बताए प्रमोट का, ये आप प्रमोट का बताए सर, लेकिन ईयर बैक का बात बताइए। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर 5 पेपर में आप कैरी लगाते हैं तब आप ईयर बैक नहीं होएगा, आप सेकंड में चले जाइएगा, सेकंड में भी आप
एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपका अगर मिनिमम तीन पेपर में कैरी रहता है, फर्स्ट और सेकंड मिलाकर के तीन पेपर में, तो आप थर्ड में प्रमोट हो जाएगा। बट अगर तीन पेपर से ज्यादा कैरी रहेगा तो आप ईयर बैक हो जाएगा, कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही रह जाएगा, फर्स्ट ईयर में ही रह जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका दो पेपर कैरी होता है तब तो आप फिफ्थ में चले जाएंगे, लेकिन दो पेपर से ज्यादा होता है तब आप थर्ड सेमेस्टर में ही रह जाएगा, मतलब कि सेकेंड ईयर में ही रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, तो ये हो गया आपका ईयर बैक ऑफ प्रमोट का। ठीक है, अब देखिए कैरी पेपर समझ गया, प्रमोशन का भी समझ गया। फर्स्ट और सिक्स में, थर्ड और सिक्स में कैरी लगने पर एग्जाम कब होगा? अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कैरी लगता है तब आपका एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में आइएगा, सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम दीजिएगा और उसी के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा। थर्ड सेमेस्टर वाले, अगर थर्ड सेमेस्टर में अगर लगाते हैं कैरी, तो उस थर्ड सेमेस्टर वाले का जो पीछे आपका जूनियर है वो जब थर्ड सेमेस्टर में आएगा तब उसके साथ आपका एग्जाम होगा। और लेकिन सिक्स सेमेस्टर जो एग्जाम दिए हैं इनका अगर कैरी लगता है तो इनका वन वीक जैसे रिजल्ट आएगा उसी के साथ फॉर्म भराने का डेट आएगा, जो भी कैरी पेपर है उसका फॉर्म भराएगा और एक से दो वीक के अंदर अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी ध्यान दें, थर्ड सेमेस्टर वाले भी ध्यान दें और सिक्स सेमेस्टर वाले भी ध्यान दें। फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर सेकंड सेमेस्टर में आप तो हर हाल में जाइएगा ही जाइएगा, तो सेकंड सेमेस्टर के भी तैयारी करें और जो पेपर में आपको लगता है कि कैरी लगने वाला है उसको भी देखते रहे। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका एक दो पेपर है जो कि कैरी लगने वाला है तब तो आप फोर्थ में जाओगे ही जाओगे, तो फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई भी स्टार्ट रखो, वरना इसमें भी कैरी लग जाएगा और इधर भी फेल हो जाओगे, तो फिर दिक्कत है, सेमेस्टर ईयर बैक हो जाएगा और इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, एक साल के लिए आप फिर से पीछे चले जाओगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करो कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ाई करिएगा तभी आप एग्जाम पास कर पाइएगा। और ध्यान रखिए मेनली बात है कि वन से फिफ्थ सेमेस्टर तक के 40% मार्क्स आपके फाइनल वाले सेमेस्टर में जो मार्कशीट तैयार होता है उसमें बन रहे हैं, उसका 40%। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक सेमेस्टर में आप अच्छा स्कोर कर सको, कैरी नहीं लेना है, क्योंकि कैरी लगने के बाद उस पेपर का मात्र मात्र पासिंग मार्क्स ही ऐड होता है, जिससे उसका 40% में आपका डिक्रीजमेंट आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने का जुनून जज्बा बनाए रखें और पढ़ते रहें, लड़ते रहें, हमेशा लड़ाई करते रहें अपने आने वाली परेशानियों के साथ। ये मुश्किलें बार बार आपको आएगी और बार बार आपको कहेगी कि तुम ये नहीं कर सकते, पर अपने अंदर के जोश जज्बा जुनून को जगाए रखना है और लड़ते रहना है, हर मुश्किल को आसान बनाने का काम करते रहना है मेहनत के बल पे। मैं बार बार कहता हूं आप सभी को, एक बार फिर से कहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही हमारी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत से मत कतराइए, पढ़ते रहिए लगन से। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9204047883, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी अभी द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है, तो अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों का क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जारी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जारी है। तो किसी भी तरह का कोई भी संपर्क, कैसे एग्जाम कैरी बैक ये सबसे भी, और अगर किसी तरह का आपको कोर्स करने में कोई पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तब भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।